कोई काम भी बगैर एहतमाम के किया जाएगा तो उसका असर नहीं होगा। जो काम भी एहतमाम के साथ किया जाएगा, चाहे काम गलत हो, उसका असर होगा। अगर काम ठीक है, सही है, हक है, सच है, तो उसे एहतमाम के साथ करना होगा ताकि उसका असर हो। एक साहब कहने लगे, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा, आप पहले बताइए आप कैसे पढ़ते हैं। कहने लगे, क्या मतलब मौलाना, मैं तो नमाज पढ़ता हूं। मैंने कहा, नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए कैसे पढ़ते हैं। मालूम हुआ जी, तहमद में नमाज पढ़ते हैं, कच्चे में नमाज पढ़ते हैं, बनियान में नमाज पढ़ते हैं, बाल बिगड़े में नमाज पढ़ते हैं, पसीनों के कपड़ों में नमाज पढ़ते हैं, सजदगा काली हो गई है उस पर नमाज पढ़ते हैं, जा नमाज धोए हुए 10 साल हो गए उस पर नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे को नमाज से प्यार कैसे होगा। आप क्या, तो नमाज इंतहाई और नमाज का तरीका इंतहाई नजरअंदाज है, यानी कोई हैसियत ही नहीं है जा नमाज की। कारपेट घर का अच्छा होता है, जा नमाजों में मिट्टी भरी हुई होती है। मुझे माफ कीजिएगा, अगर जिसके यहां नहीं है तो वो परेशान ना हो जी, चिकनी हो जाती है सजदगा। मुझे माफ करें, मैं बहुत नीचे आके बात कर रहा हूं। कैसे बच्चे को प्यार होगा नमाज से भाई? ये बच्चा उस वक्त नमाज से प्यार करेगा कि जब देखेगा कि अब्बा गुस्ले मुस्तहब भी करके आए हैं, उजले से कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़े होकर खुशबू लगा रहे हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं और संवर रहे हैं, बन रहे हैं, और वो बढ़ के पूछ ले कि अब्बा किसी गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, तो वो पलट के कहे कि गवर्नरों के गवर्नर से मिलने जा रहा हूं। दुनिया का कोई साहिब हैसियत नहीं है जो अल्लाह के सामने हैसियत रखता हो, मगर ये कि उसने अल्लाह की बंदगी की हो। तो अब इस बच्चे को इस नमाज से प्यार होगा जिस नमाज को एहतमाम के साथ अदा किया जा रहा है। कहने की जरूरत ही नहीं है इसे, बेटा नमाज पढ़ो, मैं खुद अपनी नमाज को बेहतर कर लूं। ऐसे ही अज़ादारी है, ऐसे ही जुलूस है। अब्बा तो वैसे ही 10 दिन के मुसलमान हैं, और बास तो 10 दिन में भी 9 और 10 मुहर्रम के हैं, और 9 और 10 मुहर्रम को भी पूरे जुलूस में नहीं जाते, इसलिए कि साल भर आदत नहीं है मजलिस और जुलूस में जाने की। जब साल भर जुलूस और मजलिस में जाने की आदत नहीं है तो ये थक जाते हैं, आधे जुलूस से वापस आ जाते हैं। तो ये बच्चा आपका अज़ादार कैसे होगा, ये बच्चा आपका मातमी कैसे होगा जी? खुदा के वास्ते दूसरे की खातिर जीने का जज्बा, एक नतीजा उसका यह है कि हम अच्छे नमाजी हो जाएं ताकि हमारी नस्लों में नमाज मुंतकिल हो, हम अच्छे अज़ादार हो जाएं ताकि हमारी नस्लों में अज़ादारी मुंतकिल हो।